सर्वेश गोयल हूँ, जीडी गोयल का पब्लिक स्कूल का चेयरमैन, और आज यहाँ पे द ट्रैफिक पीपल फाउंडेशन ने बहुत ही शानदार आयोजन किया और जो तारीख चुनी वो भी बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि जो इनका स्लोगन है लेट सेफ्टी बी योर ओन वैलेंटाइन, तो जो सेफ्टी है वो बहुत बेहद ज़रूरी है, और इसके हादसों की वजह से, बहुत सारे हादसों की वजह से लोगों की जान चली जाती है, तो इनका यही संदेश देने का मकसद है कि आप चाहे कार चलाएं, चाहे स्केटिंग चलाएं, चाहे जिसमें भी व्हील्स हैं, उसके लिए जो भी सुरक्षा के उपाय हैं, जैसे कि हेलमेट पहनना है, सीट बेल्ट पहनना है, या बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलानी है, इस तरीके के जितने भी ज़रूरी मानक हैं वो पूरे करते हुए ही चलाएं, तो इन्होंने बड़ा अच्छा प्रयास किया है लोगों तक, जन जन दूर दूर तक ये जागरूकता फैलाने के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि ये टॉपिक जितना ही संगीन है, जितना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही बोरिंग है, लेकिन इन्होंने इस तरीके से युवाओं को जोड़ने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम आयोजन किया है, ये काबिले तारीफ़ है। इसके लिए मैं पूरी द पीपल ट्रैफिक पीपल फाउंडेशन को मैं बधाई दूंगा, जय जी को बधाई दूंगा, सिन्हा जी को बधाई दूंगा कि आगे भविष्य में ऐसे कार्यक्रम करते हुए लोगों को जोड़ें और इसको आगे तक ले जाएं, जिससे कि हादसे ना के बराबर हों और लोगों की सुरक्षा बनी रहे, क्योंकि इसमें किसी हादसे में कोई तो सफ़र करता है अकेला, लेकिन उसके साथ पूरा पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। तो ये ऊपर वाले से यही दुआ होगी कि लोग जल्दी ही इस गिरफ्त से दूर रहें, लोगों में समझ आए और ये हादसे ना हो। मेरा नाम शैलेश सिन्हा है, फाउंडर हूँ इस पूरे मूवमेंट का, और यहाँ पर लखनऊ में हम लोग एक अवेयरनेस कैंपेन करने आए हैं। थोड़ा ग्लैमर हम लेकर के आए हैं, यहाँ पे बाइक्स है, म्यूजिक है, सो दैट यू नो एक अटेंशन ग्रेविटी हम ज़्यादा डेवलप कर पाते हैं। तो ये इतना सीरियस इशू है कि हमारे देश में लगभग 500 लोग हर रोज सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। 500 लोग मतलब एक घंटे के अंदर 17 लोग, 17 से 20 का नंबर है, और वो ऐसे लोग हैं जो बचाए जा सकते हैं, क्योंकि 70% एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से होते हैं। उसके बाद सेक्शन आता है कि हमारे सड़क की कंडीशन क्या है, कहीं सिविल इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम है नहीं है, रोडों में गड्ढे हैं, या कहीं स्टेशनरी व्हीकल कहीं खड़ा है जो दिखाई नहीं दे रहा है रात के समय में। सो बाकी बहुत सारे इश्यूज हैं, बट 60 से 70% ऐसा पॉइंट है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एज अ ट्रैफिक पीपल फाउंडेशन हमारा पूरा मूवमेंट है, हमारे पास प्रॉपर राइडर्स कम्युनिटी है लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की, जो हमें बहुत सपोर्ट कर रही है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ करता हूँ पूरी पूरी टीम का जो जो यहाँ पर आए आज की डेट में। हम लोग दिल्ली बेस्ड हैं और पूरे देश में इस मूवमेंट को लेके जाने वाले हैं आने वाले समय में। हम लोग के जीवन में, अगर मेरा जीवन 80 साल का है तो मैं लगभग 9 साल सड़क पर बिताऊंगा, ये कैलकुलेशन है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं 8 साल सोऊंगा, 6 साल खाना खाऊंगा, तो 9 से 10 साल मैं सड़क पर बिताऊंगा, और उसी की एजुकेशन हमारे पास नहीं है। मेरी एक हल्की सी गलती किसी का भी जीवन ले सकती है, और काश मेरा, शायद मेरा भी ले सकती है, राइट। तो व्हीकल इज लाइक अ वेपन, वो एक हथियार की तरह है, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है, और एजुकेशन एलिमेंट जो है वो बचपन से, चौथी पांचवी से एकदम दिमाग के अंदर डालना शुरू कर देना चाहिए कि मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबल होकर सड़क पर चलना है, और मेरी कोई गलती मेरे लिए भी नुकसान देना हो और किसी और के लिए भी ना हो। क्योंकि एक व्यक्ति अगर मरता है तो केवल मरता नहीं है, उसके साथ उसके सपने मरते हैं, उसके परिवार के सपने मरते हैं, राइट। सो प्लीज़ लिव फॉर एवरीबडी, दिस इज व्हाट द मोटिव इज, कि सबके लिए जिए और एक रिस्पॉन्सिबल राइडर होते हुए आप घर से निकले और वैसे ही वापस आएँ। जैसे सड़क पर ट्रैफिक पुलिस है, तो एवरीबडी, हम सब ट्रैफिक पुलिस नहीं हो सकते, बट हम सब द ट्रैफिक पीपल हो सकते हैं, जो सबके लिए अच्छे हैं, अपने लिए भी अच्छे हैं। तो बस ये पूरे मैसेज है, और स्कूल से, कॉलेज से, कॉर्पोरेट हाउसेस से, और आपके जैसे चैनल्स के साथ हम लोग जुड़ करके हर रोज कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।